के बहुत प्रसिद्ध लोग हैं। मैं ये जिम्मेवारी मान जी को देता हूं कि जो संकल्प आप मुझे कहते हो, मैं इस वर्ष 2014 में हरियाणा को नहीं हिंदुस्तान को हरा करने का काम करूंगा। और आप अपने मुख से बोलिएगा मेरी इच्छा के बगैर। एक बार तो मैं इन्होंने कुछ बताया हुआ। देखो भाई, मैंने इनसे पूछा भी जन्म कब का, बोला 8 साल लगा जन्म है। तो देसी भाषा में 8 साल का मतलब कितने कितने उम्र होगी? गणित के जानकार बैठे होंगे, 73। और पता है इन्होंने मेरे को क्या कहा? मैंने कहा जी पेड़ लगाने की आपको ये प्रेरणा कहाँ से मिली बहन जी? तो ये क्या कह रहे हैं? ये कह रहे मुझे इस धरती से ही मिली। और ये आपको कुछ कहना चाहते हैं बोलते हैं। मैं कहना तो चाहता हूँ पर माइक से मेरे से इतना बोलना नहीं चाहता। तो मैं इनके लिए जो इन्होंने मुझे बताया मैं मेरे शब्दों में आपको बताऊंगा ये आपको क्या कहना चाह रहे हैं। ये कहना चाह रहे हैं, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, उठो जवान देश की वसुंधरा पुकारती, पुकारती माँ भारती देश है पुकारता, देश है पुकारता पुकारती माँ भारती। ये इतना ही कहना चाह रहे हैं कि उठो। योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण जी ने जिस प्रकार अर्जुन से कहा था, अर्जुन उठ, तेरे हृदय के अंदर 16 वरदान। अर्जुन घबरा मत, डर मत, एक क्रांति कर। तो आज ये बुजुर्ग भी आपको ये कह रहे हैं कि उठो और एक क्रांति करो, एक चेतना को जागरूक करो और अपने हृदय के अंदर ज्योत जलाकर हर हृदय को ज्योतिर्मान करो, हर हृदय में प्रकाश भरो। ऐसा इन्होंने मुझे कहा है तो मैंने इनको थोड़ा हिंदी में कन्वर्ट कर दिया। तो कहने का मतलब ये देखो, इस बुजुर्ग से मुझे ये शिक्षा मिलती है भाई जोगेंद्र, कुनियों को भी संकल्प लेंगे। अरे जब हमारे बुजुर्ग बोलते हैं तो कहते हैं, मैंने ये पूछा क्या कुछ लगाया, बोले 1000 पेड़े, पौधे नहीं पेड़े, यानी पौधे लगा के मैंने उनको पेड़ बना दिया। लगाना बड़ी बात नहीं, पेड़ बनाना बड़ी बात है। ये इनसे हमें प्रेरणा मिलती है। जब हमारा बुजुर्ग हमारे 1000 पौधे लगाने में सक्षम और सफल है तो आज जोगेंद्र हाथ आगे कर आगे आते सर बोल। मैं माइक दे दूसरा भाई कहते न्यू हो गई, मैं तो मौन था। आज इससे एक संकल्प दिलाते हैं, जो करने वाला उसी से दिलवाया जाता है। बोल नहीं रहा सही। हेलो बोलो। मैं जोगेंद्र संधु निवासी गांव कोतकला आज विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर वचन देता हूँ संकल्प लेता हूँ प्रतिज्ञा करता हूँ कि जीवन भर पेड़ पौधों के लिए जिस प्रकार अतीत में हमने कार्य किए हैं ठीक उसी प्रकार अब उसको बड़े स्तर पर अपना अभियान बनाकर भविष्य में पूरे हरियाणा प्रदेश में एक लाख वृक्ष लगाकर वृक्षों को हरित क्रांति की चेतना बनाने के लिए कार्य करूंगा मैं स्वयं प्रकृति के लिए खड़ा होकर आम जनमानव को तथा समाज के विभिन्न वर्गों को साथ लेकर प्रकृति के लिए परमपिता परमात्मा के लिए परमात्मा के साम्राज्य के लिए पेड़ पौधों के साम्राज्य के लिए इस अभियान को एक टकटकी लगाकर शंखनाद करते हुए नई गति प्रदान करूंगा जिसमें आप सभी का तथा आप सभी के मित्रों का मुझे सहयोग मिले इस प्रकार मैं आपसे आश्वस्त हूँ। भारत माता की।
जय हो। बच्चों दो ही बड़े मुकाम होते हैं, एक तो गिद्धड़ों का और एक शेरों का। आज यहाँ शेर इकट्ठा हो रहे हैं, गिद्धड़ तो दाड़ते हैं, दाड़ते ही नहीं। बताओ गिद्धड़ कभी दाड़ते हैं? नहीं ना, शेर ही दाड़ सकता है, गिद्धड़ तो घुराते हैं। इसलिए अब शेरों की भूमिका में आओ। बोले भारत माता की। मजा नहीं भाई, कोच तक तो आवाज पहुंचा दो कम से कम। बोले दादा कड़ा पीर की जय हो। बोले युवा जोगेंद्र वीर की जय हो। बोले समग्र समाज की जय हो। सफेद समाज की जय हो। विज्ञान ज्ञान अनुसंधान की जय हो। विज्ञान ज्ञान अनुसंधान किसान जवान की जय हो। शुभकामनाएं आपके लिए भी और शुभकामनाएं जोगेंद्र 1,00,000 वृक्ष लगाने आपके लिए। 1,00,000 वृक्ष लगाएंगे और महंत जी ने जो आशीर्वाद दिया है संतों की भूमि पे, एक बार मान सुकराईनाथ योगी जी के लिए जोरदार नारा लगाएंगे, उद्घोष करेंगे। मान सुकराईनाथ योगी की, महंत योगी की, धन्यवाद जय। सुनील संधू लाडला मेरा, बहुत लाडला। तो ये भी कैथल और मैं भी कैथल, ये भी पेड़ा पर मैं भी पेड़ा पर। बहुत बहुत धन्यवाद सुनील।